अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक नया दिन नया ब्लॉग तो चली गई, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज मैं थोड़ा सा लेट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं नहा धोके रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, मेरे को कॉपी वगैरह कुछ लेना है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। गाइस मैं बुक के दुकान में आ चुकी हूँ, हम चलिए अंदर कॉपी ले लेते हैं। और आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि आज पिकनिक मनाने जाएंगे। आप तो ये वीडियो मंडे को देख रहे होंगे। तो चलिए गाइस सुपरमार्केट चलते हैं, मेरे को वहाँ से कुछ सामान लेना है। तो गाइस मैं सुपरमार्केट पहुँच चुकी हूँ, चलिए कुछ सामान ले लेते हैं, पिकनिक मनाने जाएंगे उसी का। गाइस अभी फिलहाल के लिए तो मैं बच्चे लोग को ही लेके जाऊंगी पिकनिक बनाने के लिए, और बाकी और किसी दिन जाएंगे पूरे फैमिली। बड़ा दिन हो गया है, मैं मैगी नहीं खाई तो आज मेरे को मैगी खाने का मन कर रहा है। गाइस ये मैगी इंडिया का मैन्युफैक्चर मैगी है, ना कि फलस्तीन का। आप प्लीज़ कमेंट ना करें, इंडिया में भी मैगी बनता है। तो चलिए गाइस सारा कुछ सामान ले चुकी हूं, चलिए पेमेंट करवा के यहाँ से चलते हैं। गाइस मेरी अम्मी के पास अभी मैं कॉल की थी और कुछ लाना है सब्जी वगैरह, तो मेरी अम्मी बोली कि नहीं मत लाना, ऐसे ही आ जा, तेरे अब्बू लेके आएंगे। गाइस स्कूटी में थोड़ा पेट्रोल काम है तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। और आज तो पेट्रोल पंप को बहुत ही अच्छे से सजाए हुए हैं, ये देखिए गाइस। गाइस मैं यहाँ से पेट्रोल डलवा के सीधा घर जाऊंगी। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, चलिए डिग्गी में से सारा सामान को निकाल लेते हैं, फिर सभी बच्चों को बुलाऊंगी, फिर साथ में मिलके सभी लोग पिकनिक मनाने जाएंगे नदी। गाइस मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं मैगी पार्टी करने के लिए। ये देखिए सभी सामान को पकड़ लिए हैं हम लोग और सभी बच्चे भी जा रहे हैं मेरे साथ। तो चलिए नदी में मस्त पिकनिक पार्टी करते हैं मैगी का। गाइस सभी बच्चे आ चुके हैं, अब चलिए चलते हैं नदी। रोशनी नानी का चूल्हा पकड़ ली है मैगी बनाने के लिए, और अभी घाट भी सूख गया है, अच्छे से कीचड़ नहीं है। यही नीचे से लकड़ी वगैरह तोड़ेंगे फिर जलाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लकड़ी मिल जाते हैं सूखे सूखे, लेकिन गैस आज हवा इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि आग जलाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए गैस लकड़ी को इकट्ठा कर लेते हैं जलाने के लिए। गाइस हम लोग लकड़ी तोड़ चुके हैं, अब चलिए चलते हैं आगे। गाइस नदी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। गाइस ठंड के दिनों में नदी में बहुत ही अच्छा वाइब आता है। गाइस मैं अलीजा को गोद में ले ली हूँ क्योंकि नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। गाइस हम लोग सोच रहे थे कि नदी के उस पर जाएंगे बीचों बीच में, लेकिन पानी भी थोड़ा गहरा था बारिश होने के कारण, इसलिए हम लोग सोचे कि यहीं पर पिकनिक बना लेते हैं। और गाइस हम लोग तो चटाई लाने के लिए भूल गए बिछाने के लिए, कोई बात नहीं गाइस ऐसे ही बनाते हैं। गाइस यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप सभी को मैं क्या बताऊँ। और आग देखिए गाइस कितना मुश्किल से जला है और बहुत ही ज़्यादा हवा भी चल रहा है। चलिए मैगी बनाते हैं और मैगी पार्टी करते हैं। और गाइस हम लोग पिछले साल भी यहीं पर पिकनिक बनाने के लिए आए थे पूरे फैमिली, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। इस बार भी सोच रहे हैं कि पूरे फैमिली आएंगे मिलकर पिकनिक बनाने के लिए। अभी तो मैं बच्चों के खुशी के लिए बस आई हूँ, और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा जिद भी कर रहे थे और मेरे को रात में बोले थे बबली अपी कल पिकनिक जाएंगे नदी में, तो मैं बोली कि आज संडे है तो चलो चलते हैं पिकनिक बनाने के लिए। गाइस प्याज मिर्च टमाटर और सभी मसाले को मैं अच्छे से भून रही हूँ, चलिए सभी मैगी को डाल देते हैं। चलिए गाइस मैगी बनाते बनाते एक लाइन सुनाती हूँ आप सभी को। नफरत की दुनिया फरेवी लोग, एकता है कम जलन है बहुत, आंखें खोले एक पल है जिंदगी एक पल है मौत। गाइस ये लाइन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस लगभग मैगी बनके रेडी हो ही चुका है और सभी बच्चों को भूख भी लग रहा है। गाइस मैगी में से तो बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, लगता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, क्योंकि लकड़ी और चूल्हा का बना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है कोई भी चीज़।
तो चलिए सभी के लिए मैगी निकाल लेती हूँ, फिर मैगी पार्टी करेंगे मिलकर। गाइस सच में मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और यहाँ दरिया किनारे बैठकर खाने में मज़ा आ रहा है। गाइस हम लोग सभी लोग मैगी खा चुके हैं, अब चलिए बर्तन को धो लेते हैं फिर उसके बाद घर जाएंगे। सच बोलूँ तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। चलिए गाइस अब चलते हैं घर। गाइस हम लोग नदी से पिकनिक मना के घर आ चुके हैं और बच्चे लोगों के साथ पिकनिक मनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अभी चलिए मेरे अबू बाहर में आए हुए हैं, तो चलिए सामान वगैरह को लिए अंदर ले आते हैं। आज मेरे अबू दुकान से बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गए, लगता है आज दुकान में ज़्यादा काम नहीं होगा। चलिए देखते हैं अबू क्या क्या चीज़ें लाए हैं। और गाइस धीरे धीरे ठंड इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो दिन भर स्वेटर पहने रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है। गाइस मेरे अबू हरी सब्जियाँ लेके आए हैं, चलिए अब इसको रख देते हैं अंदर। और इधर फोल्डिंग भी छाया हुआ है, शाम हो गया है, अब मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और हनी मेरे से छुप रहा है, ये देखिए गाइस नीचे घुस गया था। गाइस ये फोल्डिंग इतना भारी है कि मेरे से ये उठता ही नहीं है। चलिए गाइस अब चलते हैं नानी के यहाँ। और इधर मिट्ठू खेल रहा है, चलिए इसको कुछ खिला देते हैं। चलिए गाइस अंदर चलते हैं, देखते हैं नानी लोग कहाँ हैं। और ये बुलबुल आजकल बहुत ही ज़्यादा रोती है गाइस, अभी कैमरा देख के चुप हो गई। गाइस नाना नानी बाहर में बैठे हुए हैं और मैं आई हूँ चिप्स लेने के लिए। चलिए गाइस घर को झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से, वैसे तो ज़्यादा कचड़ा नहीं हुआ है फिर भी एक बार लगा देती हूँ झाड़ू। गाइस आज का संडे तो ख़त्म हो गया और आज का संडे मेरा बहुत ही अच्छा बीता और कल से मेरा स्कूल स्टार्ट। और इधर मेरी अम्मी अब्बू बाहर में बैठकर बातें कर रहे हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय बोलिए अम्मी, बाय।